आंखें बंद करके अपने प्रोडक्ट मत लो, आंखें खोल के प्रोडक्ट लो। वेल गाइस, क्या हाल चाल है तुम्हारा? खूब तुमसे बड़े होकर हम आ चुके एक और कमाल की अनबॉक्सिंग रिव्यू वीडियो के साथ। और आज की वीडियो होने वाली है इंटेक्स KB334, जो सबसे ज़्यादा चीपेस्ट इंडिया में मिलने वाले कीबोर्ड एंड माउस का कॉम्बो है, उसके बारे में बात करने वाला हूँ। इसको लिटरली यूज़ करते हैं मेरे को 3 से 4 महीने हो गए हैं, एंड इसको मैंने ओपन करके रखा हुआ है। बाकी डब्बे के अंदर अभी भी है, तो मैं आपको बिल्कुल ओपनिंग इसकी जो सेरेमनी है वो करके दिखाऊंगा। बाकी उससे पहले अगर मैं दिखा दूं, इसके डिब्बे में आपको बहुत तरह तरह के स्पेसिफिकेशन मिलते हैं। एंड यस, इट मेंट ये जो भी यहाँ पर चीज़ें लिखी हैं हो सकती हैं एक्चुअल में, क्योंकि सबसे पहले यहाँ पर लिखा है प्लग एंड प्ले। तो भाई सिंपल सी बात है, तुम जैसे लगाओगे तो कीबोर्ड ऑन हो जाएगा अगर तुम्हारा कीबोर्ड ख़राब ना हो तो। मेरा तो चल गया भाई। उसके साथ यहाँ पर लिखा है 8 मिलियन क्लिक्स की लाइफ, जो कि यहाँ पर आपको फ्लिपकार्ट और अमेजोन में 5 मिलियन लिखा हुआ है। तो 3 मिलियन इन्होंने खुद से बढ़ा दिया या पता नहीं एक्चुअल में। 104 प्रीमियम कीज है, मैंने गिनी नहीं है, बट यहाँ पे आपको फुल कीबोर्ड मिलता है नम कीज के साथ। यहाँ पे तो यहाँ पे आपको 1.5 मीटर की केबल मिल जाएगी, जो कि बहुत अच्छी है। काफ़ी लॉन्ग रेंज पे आप आराम से लैपटॉप को दूर रख के अपनी आंखें बचा के भी गेमिंग कर सकते हो, क्योंकि गेमिंग कीबोर्ड इनको कहा जाता है। तो बैक साइड में यहाँ पर बहुत सारे स्पेसिफिकेशन मिल जाएंगे, वो सब हम वीडियो के अंदर बात करेंगे। तो यार जल्दी चलते हैं वीडियो में। तो यहाँ पे अगर कीबोर्ड की बात करें, आपको सिंपली यहाँ पे पूरा एक ब्लैक कलर में मिल जाएगा, और यहाँ पे आपको सेंटर में इंटेक्स की ब्रांडिंग मिल जाएगी। यहाँ पे क्लोजअप शॉट देख सकते हो। ऊपर की साइड में आपको एक यहाँ पे मीटर मिल जाएगा, जिस पे कुछ ऐसे इन्फॉर्मेशन नहीं होती, जस्ट लाइट्स ब्लिंक होती हैं कि ऑन है। जैसे ही तुम इसको ऑन करोगे सारी लाइट्स ऑन हो जाएंगी, इंटेक्स की ब्रांडिंग भी यहाँ पे ग्लो करती दिखेगी। पीछे की साइड अगर बात करें, यहाँ पे थोड़ा बहुत इन्होंने कुछ मेंशन करके रखा हुआ है, एक स्टिकर लगा दिया गया पता नहीं किसका। और उसी के साथ यहाँ पे आपको एलिवेशन क्लिप्स मिलते हैं, जो कि काफ़ी चीप फील होते हैं, बट इसमें आपको मिल रहे हैं वही बहुत बड़ी बात है कि 500 रुपये में आपको ये चीज़ें मिल रही हैं। तो साउंड यहाँ पे चेक कर सकते हो, काफ़ी क्रैकिंग साउंड है। टूटते नहीं है, मैंने इनको बहुत बार ऐसे किया, टूटे मूटे नहीं, इसकी टेंशन नहीं है, बस लगते चीप हैं। उसके साथ अगर यहाँ पे स्पेस बार की बात करूँ, तो मैकेनिकल साउंड, तो यहाँ पे आपको कीबोर्ड भी मैकेनिकल साउंड के साथ आता है। उसके बाद अगर फ्लैक्स की बात करूँ, तो हाँ हल्का फुल्का फ्लैक्स मिलता है इस प्राइस में, तो मैं एक्सपेक्ट कर सकते हो। और यहाँ पे आपको ये RGB लाइट्स के साथ मिलता है, जो कि कोई भी आपको यहाँ पे एनिमेशन नहीं दिखाती, ब्रीदिंग इफेक्ट वो कुछ नहीं मिलता, सिंपल एक ही कलर मिलेगा। तो उसको अभी टेस्ट करके दिखाता हूँ। उससे पहले आप माउस की थोड़े स्पेसिफिकेशन जान लो, उसके बाद हम इसके RGB के ऊपर जज करेंगे। 1.5 मीटर के साथ केबल के यहाँ पे आपको एक माउस मिल जाता है, जिसपे आपको 2 ही कीज मिलेंगे, एंड उसके साथ आपको यहाँ पे DPI बटन मिल जाएगा। बीच में दिखा देता हूँ, ये DPI बटन होता है, ठीक है, जिससे आप इसकी सेंसिटिविटी कंट्रोल करोगे कितनी स्पीड से आपने यूज़ करना। उसके साथ यहाँ पे आपको रोटेटिंग क्राउन मिल जाएगा, जिससे आप ऊपर नीचे स्क्रॉल अप स्क्रॉल डाउन कर सकते हो। तो ये वो चीज़ें हैं। बाकी माउस काफ़ी अच्छा है, मतलब अगर आप इसकी क्वालिटी की बात करो तो सबसे ज़्यादा चीप क्वालिटी का मैं इसको कहूँगा, पर फिर भी आपको मिल रहा है इस रेंज में, तो या इट्स बेटर कि चल भी रहा है ये। एंड इसमें आपको शायद 3200 DPI मिल जाती है, 3200 DPI यहाँ पे आपको मिल जाती है लिटरली। और उसके साथ क्लिकिंग साउंड है ना, वो सबसे देखो, मतलब गेमिंग के लिए यूज़ करना चाहते हो ना कि तुम वीडियोज करना, काफ़ी मस्त लगेगा ऐसे कि तुम बोलो एग्रेसिव गेम खेल रहे हो। तो अगर यहाँ पे बात करें, तो यहाँ पे आपको ऑप्टिकल सेंसर ही मिलने वाला है इस रेंज में। आप ये कितने का पड़ेगा भाई? अगर आप 4000 से लोगे इसको 80-90 रुपये, 4000 रुपये, हाँ, मतलब अगर ऑफलाइन मार्केट में ऐसे माउस मिलना स्टार्ट हो जाते हैं तो 80-90 रुपये से ऊपर का माउस नहीं है। बाकी जो पैसा है भाई वो कीबोर्ड का है, 400 रुपये आप उसका वर्थ है कि उस रेंज में आपको ये मिलता है। क्योंकि जो ज़ेब्रोनिक्स के या फिर HP के 300 रुपये का आता है ना भाई, इतने घटिया कीबोर्ड है, मैंने यूज़ करके रखे हैं, वो ऐसे घूम जाते हैं भाई, वो पूरे टूटने पे आ जाते हैं। अभी हम इसके RGB के बारे में बात करते हैं, एंड क्या आपको ये लेने चाहिए उस बारे में मैं आपको कंक्लूजन दे दूंगा। वेल गाइस, यहाँ पे आप देखते हो कीबोर्ड की कुछ इस तरह की लुक मिलेगी। एंड अगर मैं थोड़ी लाइट्स को डिम करूँ, अगर आप इतनी डिम लाइट पे खेलोगे ना गेमिंग, तो इजिली बहुत प्यारे लगेंगे तुम्हारे सेटअप पे, ठीक है। अगर मैं पूरी लाइट्स बंद कर दूँ, ऐसा अंधेरा और रखा है यहाँ पे, तुम देख सकते हो मेरी शक्ल वगैरह तुम्हें सब दिख जाएगा। एंड यहाँ पे ये कीबोर्ड है, ठीक है, इस तरह से तुम्हें यहाँ पे कीबोर्ड देखने को मिल जाता है। और उसी के साथ अगर मैं माउस की बात करूँ, आपको ऑप्टिकल सेंसर जहाँ पे चमकता हुआ दिखेगा। सो वेल गाइस, इसका यही था अनबॉक्सिंग एंड कुछ फर्स्ट लुक्स। जी हाँ, मैं आपको बिल्कुल रिकमेंड करूँगा, क्योंकि मेरे को 4-5 महीने हो गए, मैंने Assassin's Creed पूरी इस कीबोर्ड से ख़त्म करी है, और कहीं भी मेरे को डिले नहीं मिला। जस्ट जो माउस है वो PUBG PC पे अटक गया था, मतलब PUBG PC पे वो मर जाता भाई माउस, बहुत से मतलब एक समझ रहे हो, आपको रफ तरीके से चलाना पड़ेगा, एडजस्टमेंट नहीं होता, एम एडजस्टमेंट। अगर आप शूटिंग गेम्स के लिए ऐसा कीबोर्ड लेने की सोच रहे हो, बिल्कुल मत लेना, वर्स्ट है शूटिंग गेम्स के लिए, तो इसको बिल्कुल कंसीडर मत करना। बट अगर आपको चाहिए, आपको ऑफिस वर्क करना है, आपको टाइपिंग करनी है, एंड उसके मतलब माउस की दिक्कत थी वो वाली शूटिंग गेम में भी, कीबोर्ड अच्छा काम करता है। एंड अगर उसके बाद और कभी कभी आपको बहुत तेज़ी से कीज टाइप करनी होती है, अगर आप इसको साइड में प्रेस करोगे ना, हल्का सा फोर्स लगती है भाई। तो अगर आप ऑफिस वर्क, अगर आप स्टूडेंट हो, टाइपिंग करना चाहते हो, छोटे मोटा काम करना है लैपटॉप पे, या फिर उसके बाद अगर आपको रेसिंग गेम्स खेलनी है या छोटी अलग अलग तरह की गेम्स खेलनी है,
तो उसके लिए ये बढ़िया। लेकिन अगर आपको इंटेंसिव गेमिंग करनी है, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे गेमिंग करनी है, तो इससे बेटर ऑप्शन को पीट्रॉनिक्स के 1100 वाले मिल जाएंगे, आप वहाँ जा सकते हो। या फिर आपको RPM यूरो के भी काफ़ी अच्छे से मिल जाएंगे 1000 रुपये की रेंज में, तो तुम इसका डबल अमाउंट खर्च के ले लेना शूटिंग गेम्स के लिए। बट अगर आपको इस रेंज में चाहिए तो यार वन ऑफ द बेस्ट आपको मैं कहूँगा, क्योंकि मैंने खुद चीप देख के ले लिया था, तो यस काफ़ी अच्छे हैं ये।